नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। विदेशों में उगने वाला ड्रैगन फ्रूट अब उत्तराखंड के पहाड़ी जनपदों में भी आपको देखने को मिलेगा। उत्तराखंड उद्यान विभाग ने श्रीनगर में ड्रैगन फ्रूट की खेती पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू कर दी है। अगर ये प्रोजेक्ट सफल रहा तो ड्रैगन फ्रूट की पौध आमजन तक भी पहुँच सकेगी। वहीं प्रदेश के बेरोजगार युवा ड्रैगन फ्रूट की खेती करके स्वरोजगार की तरफ आगे बढ़ सकेंगे। इससे पहाड़ों से लेकर मैदान तक युवाओं को नया रोजगार मिल सकेगा। उद्यान विभाग ने श्रीनगर स्थित विभाग की नर्सरी में अपने 3.5 नाली भूमि पर ड्रैगन फ्रूट की खेती कर रहा है। इसके लिए विभाग ने भूमि के अंदर 72 स्टैंड स्थापित किए हैं, जिसमें 214 पौधे इन स्टैंड पर लगाए गए हैं। हर स्टैंड पर ड्रैगन फ्रूट के 4 बेनुमा पौधे लगाए हुए हैं, जिससे ड्रैगन फ्रूट के फल इन पौधों पर आ सके। विभाग ने इन ड्रैगन फ्रूट के पौधों को राजस्थान से मंगाया है, ताकि ड्रैगन फ्रूट की खेती सफलतापूर्वक प्रदेश में की जा सके। देखिए, ये जो ड्रैगन फ्रूट है, तो जब इसको भारत में लाया गया तो गुजरात में इसका नाम जो है कमलम पड़ा, तो इसको भारत में कमलम के नाम से भी जानते हैं। तो ये अभी तक जो है विदेशों में इसकी काफ़ी बड़ी मात्रा में इसका उत्पादन किया जा रहा था, लेकिन भारत में जो है ये अभी काफ़ी कम जगह पर इसका उत्पादन किया जा रहा है। इसमें जैसे विदेशी फल के नाम से जाना जाता है, जैसे इंडोनेशिया, मलेशिया, चीन, ये विदेशों से जो ही भारत में आता था, भारत में इसकी बड़ी मार्केट है। तो जैसे समुद्र के किनारे या इस तरह से अभी तक जो है ये फल आपको आम बाज़ार में दिखने को नहीं मिलेगा, छोटे मार्केट में दिखने को नहीं मिलेगा, ये बड़ी मार्केटों में ही मिलता है। यानी कि भारत के अभी बहुत कम जगह पर क्या है ये उत्पादन इसका किया जा रहा है। जैसे भारत में जो है आपका राजस्थान है और आपका बिहार है, महाराष्ट्र है, तो कुछ राज्यों में इसका जो है अब काफ़ी अच्छे लेवल पे क्या है इसका पौधे लगाए गए हैं और इसको अच्छी तरह से संचालित किया जा रहा है। यहाँ पर भी जो पौधे हम यहाँ पे हमने एक ट्रायल के रूप में इसको लगाया है, सरोवर नगरी नैनीताल में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिलाधिकारी धीरज सिंह गर्ब्रियाल ने की। बैठक में राज्य में प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पादों के प्रभावी नियंत्रण के संबंध में विस्तृत चर्चा की गई। उन्होंने जनपद के सभी अधिकारी को निर्देश दिए हैं नैनीताल जनपद के सभी कार्यालय को प्लास्टिक मुक्त बनाए और अपने अपने स्तर से आम लोगों को जागरूक करने हेतु अभियान भी चलाना सुनिश्चित करें। साथ ही सिंगल यूज प्लास्टिक से होने वाले नुकसानों के बारे में लोगों को जागरूक करना भी जरूरी है। ललितपुर में नेशनल हाईवे 44 पर झांसी से सागर की ओर जा रहे ट्रक में अचानक आग लग गई। ड्राइवर और क्लीनर ने कूदकर अपनी जान बचाई है। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। ट्रक का आगे का हिस्सा जलकर राख हो चुका था। सदर कोतवाली क्षेत्र NH44 का ही पूरा मामला। साजापुर में पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष अर्चना वर्मा को फोन पर 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई है। रंगदारी मांगने वाले ने खुद को तिहाड़ जेल में बंद नीरज भवानी बताया है। रंगदारी न देने पर फोन करने वाले ने पति समेत पूरे परिवार की हत्या करने की धमकी दी है। रंगदारी मांगने और हत्या की धमकी के बाद से पूरा परिवार दहशत में है। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष अर्चना वर्मा ने ससुर राममूर्ति सिंह वर्मा समाजवादी पार्टी सरकार में मंत्री रह चुके हैं। थाना सदर बाजार क्षेत्र के इंदिरापुरम में रहने वाली पूर्व जिला अध्यक्ष अर्चना वर्मा के फोन पर 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगने को लेकर परिवार दहशत में है। साथ ही साथ एक शिकायत भी दर्ज कराई गई है। हालांकि आश्वासन दिया गया है कि जल्द ही इस पूरे मामले में कार्रवाई की जाएगी। रामपुर में सावन के पावन पर्व को लेकर रामपुर जीरो पॉइंट पर पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार शुक्ला की बैठक हुई है। रामपुर के मुरादाबाद बरेली जीरो पॉइंट पर सावन के पावन पर्व को लेकर पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार शुक्ला, अपर पुलिस अधीक्षक संसार सिंह सहित जनपद के सभी CO, थाना इंचार्ज, चौकी इंचार्ज सहित सभी पुलिसकर्मियों की बैठक हुई। पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार शुक्ला ने सभी पुलिसकर्मियों को उनकी ड्यूटी के बारे में बताया और कहा कि कांवड़ियों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उत्तरकाशी में हो रही बारिश मुसीबत बनी हुई है। हम देख सकते हैं कि किस तरह से फंते नाले को स्कूली बच्चे पार करते हुए नजर आ रहे हैं। जनपद उत्तरकाशी में 3 दिन तक बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट है। जिले में बारिश से आम जनजीवन से अस्त व्यस्त जो बच्चे हैं वो नजर आ रहे हैं।
तो नौगांव विकास खंड के राजकीय इंटर कॉलेज गलौडी की जनपद में हो रही बारिश से इंटर कॉलेज के जो पास बरसाती नाला है वो इतने उफान पर आ गया है कि बच्चे स्कूल में ही फंस गए हैं। विद्यालय प्रशासन ने बच्चे को बारिश रुकने के बाद घर भेजा, लेकिन बारिश इतनी तेज थी कि बच्चों के द्वारा बरसाती नाले को पार करना मुश्किल था। अध्यापकों ने बरसाती नाले के तेज बहाव के कारण किस तरह से सभी स्कूली बच्चों को फंते नाले को पार कराया है। डरे सहमे बच्चे मौसम के भयंकर मंजर को लेकर आप बीती सुनाते हुए भी नजर आए हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक बाजपुर रोड स्थित होटल गोमती हाइट्स में भाजपा प्रदेश प्रशिक्षण वर्ग के समापन पर पहुंचे, जहां उनका भाजपा कार्यकर्ताओं ने फूलमालाओं से जोरदार स्वागत किया। इसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने काशीपुर पहुंचकर तिरंगा यात्रा में प्रतिभाग किया। बता दें कि देश के 15वें राष्ट्रपति के रूप में एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के निर्वाचित होने के उपलक्ष्य में निकाली गई तिरंगा यात्रा में कार्यकर्ताओं का उत्साह देखने को मिला। इस दौरान मुख्यमंत्री अभिवादन स्वीकार करते चल रहे थे, जगह जगह उनका स्वागत किया गया। एमपी चौक पर मुख्यमंत्री जनसाधारण का भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए देश के 15वें राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू के चुने जाने पर खुशी व्यक्त की, साथ ही केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनाई। सीबीएसई बोर्ड ने 12वीं क्लास के नतीजे जारी कर दिए हैं। छात्र आधिकारिक वेबसाइट cbse.nic.in, cbse.government.in, cbseacademic.nic.in पर जाकर अपने नतीजे चेक कर सकते हैं। छात्र परीक्षा संगम cbse.government.in पर भी अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। इस साल 12वीं की परीक्षा में कुल 92.71% छात्र छात्राएं पास हुए हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा इस साल 26 अप्रैल से 15 जून 2022 के बीच कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं आयोजित की गई थी। सीबीएसई की 12वीं क्लास की टर्म 2 परीक्षा में 14 लाख से ज्यादा छात्र छात्राएं शामिल हुए थे, जिन्हें परीक्षा के नतीजों का बेसब्री से इंतजार था। सीबीएसई कक्षा 12वीं की परीक्षा में सफल होने के लिए छात्रों को सभी सब्जेक्ट में कम से कम 33% अंक हासिल करना जरूरी है। जो छात्र 12वीं की परीक्षा में शामिल हुए थे वो अपने स्कूल कोड, रोल नंबर और जन्मतिथि के साथ लॉग इन करके अपना परिणाम देख सकते हैं और अंक तो डाउनलोड कर सकते हैं। देश के कई राज्यों में बाढ़ के हालात बने हुए हैं। पिछले हफ्ते तक यूपी के लोग बारिश के लिए तरस रहे थे, लेकिन अब बारिश हुई तो हाहाकार मच गया। चित्रकूट में गुरुवार को ही भारी बारिश से सैलाब आ गया। मूसलाधार बारिश की वजह से परमहंस आश्रम धरकुंडी में पानी का जो धार है वो फूट पड़ी। परमहंस आश्रम पहाड़ी के बीच बना हुआ है, ऊपर से पानी की तेज धार सीढ़ियों तक होती हुई नीचे की तरफ आई। देखते ही देखते आश्रम का निचला हिस्सा पानी में डूब गया। चित्रकूट में 2 दिन से बारिश हो रही है, जिससे आश्रम उसके आसपास के इलाके जलमग्न हो गए हैं। इसके अलावा यूपी में झांसी से लेकर मऊ तक बारिश कहर बरपा रही है। यूपी के कई जिलों में कुछ घंटों की बारिश से पूरा शहर पानी पानी हो गया। सड़कें पानी में तालाब बनती हुई नजर आ रही है। सड़कों के किनारे बनी दुकानों में भी पानी भरने लगा। आने जाने वाले लोगों को पानी में फंसे नजर आने लगे। फतेहपुर में सड़कों पर 2 फीट तक पानी जमा हो गया, जिससे आने जाने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। यूपी में फतेहपुर से लेकर झांसी, मऊ और बस्ती हर तरफ ऐसी तस्वीर देखने को मिल रही है। कहीं सड़क पर पानी भर गया है तो कहीं सरकारी दफ्तर पानी पानी हो गया है, तो कुछ जगहों पर स्कूली बच्चों को मुसीबत का सामना करना पड़ रहा। बारिश के इंतजार में बैठे यूपी के किसानों के लिए बारिश राहत लेकर आई, लेकिन शहरी इलाकों में नालों की सफाई होने से मुसीबत भी ले आई है। मऊ जिले में तेज बारिश से जब सड़कें लबालब हुई तो आसपास की दुकानों के साथ सरकारी दफ्तर जलमग्न हो गए। मऊ के बिजली विभाग के कार्यालय के भीतर करीब 1 फीट तक पानी भर गया। सरकारी दफ्तरों के साथ ही आसपास के घरों में भी पानी भर गया है, जिसकी वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दुनिया भर में कोरोना के बढ़ते मामलों ने एक बार फिर से चिंता बढ़ा दी है। भारत में भी कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। देश में एक बार फिर से कोरोना से 21,000 से अधिक मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 21,808 नए मामले सामने आए, तो वहीं 60 लोगों की जान चली गई। कोरोना के एक्टिव केसेस की हम बात करें तो 149,482 तक पहुंच गए हैं। इसके अलावा कोरोना से संक्रमित 21,219 मरीज ठीक हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से शुक्रवार सुबह 8 बजे जारी आंकड़ों के अनुसार देश में संक्रमण से 60 और लोगों की मौत के बाद मृतक संख्या बढ़कर 5,25,930 हो गई है। देश में कोविड-19 के उपचाराधीन मरीजों की संख्या बढ़कर 149,482 हो गई है, जो कुल मामलों का 0.34% है। पिछले 24 घंटों में
चार दिन मरीजों की संख्या में 601 मामलों की बढ़ोतरी हो गई है। मरीजों के ठीक होने की राष्ट्रीय जो दर है वो 98.46% है। गौरतलब है कि देश में 7 अगस्त 2020 को संक्रमितों की संख्या 20 लाख, 23 अगस्त 2020 को 30 लाख और 5 सितंबर 2020 को 40 लाख से ज़्यादा हो गई थी। संक्रमण के कुल मामले 16 दिसंबर 2020 को 50 लाख, 28 सितंबर 2020 को 60 लाख, 11 अक्टूबर 2020 को 70 लाख, 29 अक्टूबर 2020 को 80 लाख और 20 नवंबर को 90 लाख के पार चले गए थे, जिसके बाद कोविड की वजह से देश भर में हाहाकार मच गया था। एक बार फिर से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, ऐसे में लगातार सावधानी बरतें। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।